हे गाइस, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपको पीसी रिलेटेड कंटेंट्स में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर पीसी रिलेटेड कंटेंट्स की ही बात की जाती है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विंडोज कैसे इंस्टॉल करें, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आ चुके हैं हम अपने पीसी पर और बूट मेन्यू को ओपन करने के लिए आपको डिलीट प्रेस करना है। डिलीट प्रेस करने के बाद बूट मेन्यू ओपन हो जाएगा और बूट सेक्शन में जाके आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको यूएसबी बूटेबल पेन ड्राइव को प्रायोरिटी देनी होगी। F10 करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद हमारा पीसी रिस्टार्ट होगा और हमारी जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो काम करने लग जाएगी। अभी हमें यहाँ सेलेक्ट करना है कि हमें कौन से बिट की विंडोज़ इंस्टॉल करनी है। हम यहाँ पर 64 बिट और 32 बिट दोनों की इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 32 बिट इंस्टॉल करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सभी 32 बिट में हैं, इसलिए मैं 32 बिट को इंस्टॉल करने वाला हूँ। आप चाहें तो 64 बिट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वो आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंस्टॉल करना चाहते हैं। जैसे ही ये प्रोसेसिंग कम्प्लीट होगी वैसे ही हमें लैंग्वेज के लिए पूछेगा कि मतलब हमें कौन से लैंग्वेज में विंडो इंस्टॉल करनी है। आप किसी भी लैंग्वेज में इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपकी विंडोज़ में मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करती है। तो हम यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। जैसे ही हम विंडो इंस्टॉलेशन के अगले प्रोसेस पे आएंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आपके पास कोई प्रोडक्ट की है या नहीं है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट की है तो हम प्रोडक्ट की डाल देंगे, अगर हमारे पास प्रोडक्ट की नहीं है तो हम आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पर क्लिक करके आगे आ जाएंगे। आगे आने के बाद हमें सेलेक्ट करना है कि हम कौन सी विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं। विंडो 10 होम, विंडो 10 वगैरह जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे हम यहाँ आएंगे तो इसके बाद में ये प्राइवेसी को इनेबल करना है। उसके बाद में आपको कस्टम पर सेलेक्ट करना है। कस्टम पर सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली जिस ड्राइव में आपको विंडो इंस्टॉल करनी है उस ड्राइव को आपको डिलीट करना है। हाँ, उस ड्राइव को आपको डिलीट करना है क्योंकि उसके अंदर प्रीवियस जो विंडो होती है उसकी कई फाइल्स रह जाती है, इस वजह से वो सही से वर्क नहीं करना कर पाती। उसके बाद में आपको उसे डिलीट करके न्यू पर क्लिक करके और जो हमारी मैक्सिमम वॉल्यूम है उस पर अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद न्यू पार्टीशन हमारा क्रिएट हो जाएगा और उस पार्टीशन में हमें विंडो इंस्टॉल करनी है। विंडो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चालू होगा तो इसे ख़त्म होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, मतलब पूरी विंडो इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको वेट करना होगा। जैसे ही हमारी पूरी विंडो इंस्टॉल हो जाती है उसके बाद में ये रीस्टार्ट का ऑप्शन दिखाएगा, उस टाइम आपको अपनी पेन ड्राइव निकाल लेनी और इसे रीस्टार्ट करना है क्योंकि हमने जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी वो पेन ड्राइव को दी थी, इस वजह से हमें अपनी पेन ड्राइव निकाल लेनी है। जैसे ही आप पेन ड्राइव निकाल लेते हैं तो ये रीस्टार्ट होगी। रीस्टार्ट होने के बाद इसके सेटअप को आपको पूरा करना होगा, मतलब ये लैंग्वेज वगैरह इनपुट सेटअप वगैरह सब कुछ मांगेगा, वो आपको देने होंगे जो कि हम अभी कर लेते हैं। हमारी यहाँ पर विंडो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, तो इस तरीके से आप अपनी विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।